तो गाइस देखिए कितनी प्लॉटिंग है यहाँ पे खाली, जैसे नीचे आप देख सकते हैं, एक वो है। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं आपको आज पूरा रास्ता दिखाने वाला हूँ जो खुशालपुर से शाहपुर रोड जा रही है, तो उधर की लोकेशन भी दिखानी है कैसी है प्रॉपर्टी के हिसाब से जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो गाइस जो हम अपना रास्ता शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं मंडी गेट से, जो मंडी है मुरादाबाद की। तो सामने जो है ये मंडी है, मैं दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए ये मंडी है, ऊपर लग रहा है नवीन मंडी स्थल मुरादाबाद। तो यहाँ से हम अपने रास्ते की शुरुआत कर रहे हैं, चलिए चलते हैं। तो गाइस हम निकल चुके हैं मंडी गेट से। तो ये है BKS स्कूल जो पढ़ता है, और हम और मैं और अन्नू जा रहे हैं उसकी बाइक पे। कौन सी बाइक अन्नू? ये होंडा लीवो। कौन सी? होंडा लीवो। तो गाइस ये होंडा लीवो बाइक है, और ये देखिए हम जा रहे हैं अभी पेट्रोल पड़वाने, उसके बाद चलेंगे खुशालपुर से शाहपुर रोड पे जो। तो गाइस ये हम आ चुके हैं चरण सिंह चौक जो है यहाँ पर, इसमें कुंदन पर डलवाएगा। तो कुंदन पेट्रोल पंप पे हम इसमें पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं। तो गाइस आप लोगों के लिए इतना खर्चा करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो लोग मुरादाबाद से हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये ब्लॉग, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो लोग प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं। तो गाइस ये आ गया कुंदन पेट्रोल पंप, बंद कर पेट्रोल पंप का पड़ा हमारे। अरे कोई बात ना। अरे तो देखिए ये तो ये है कुंदन पेट्रोल पंप, इसमें आपने पहले भी देखा होगा मेरे ब्लॉग में, जब बाइक बंद हो जाती है यहीं आते हैं। चलिए तेल भरवाते हैं। तो गाइस हम चल रहे हैं NH 24 पर जो चौधरी चरण सिंह चौक है, उससे आगे धर्मकांटे से रास्ता जा रहा है खुशालपुर शाहपुर रोड के लिए, तो वहाँ से चलेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो गाइस हम जा रहे हैं धर्मकांटा, आप अगर मंडी गेट से आ रहे हैं तो पीछे से आएंगे चौधरी चरण सिंह चौक से थोड़ा टर्न होके, बहुत फेमस है धर्मकांटा, वहाँ पर आप किसी से ही पूछ सकते हैं धर्मकांटे के लिए। ये स्प्रिंगफील्ड कॉलेज है, देखिए काफ़ी फेमस कॉलेज है स्प्रिंगफील्ड, और यहाँ के बच्चे तो आपको पता ही होगा कैसे होते हैं पढ़ने में। तो गाइस ये धर्मकांटा है, हम धर्मकांटे पर आ चुके हैं, और इधर से हम जाएंगे बुद्ध विहार के लिए, ऊपर बोर्ड भी है बुद्ध विहार। तो यहाँ से सीधे चल के आर्यंस इंटरनेशनल कॉलेज से खुशालपुर की तरफ से जाएंगे, और इधर है एक मॉल, काफ़ी बड़ा मॉल है यहाँ, पिज़्ज़ा लवर्स वाला एक पिज़्ज़ा का वो भी है शॉप। तो यहाँ से सीधे चलते हैं। देखिए छपरी ऐसे रोज रगड़े जाती हैं क्या? अरे सीधे चलो, थोड़ा मेन रोड चला लो सर, हिल रही है। तो गाइस यहाँ से आप आ जाएंगे तो यहाँ पे पड़ेगा एक फेमस कॉलेज है जहाँ गोविंदा जी जो एक्टर हैं वो भी आ चुके हैं, ये आर्यंस इंटरनेशनल स्कूल। तो ये देखिए ये है पूरा आर्यंस इंटरनेशनल स्कूल, ये खुशालपुर लगता है ना, तो ये खुशालपुर में है आर्यंस इंटरनेशनल स्कूल। तो इधर से देखिए कुछ ऐसा है, चलो चलो। तो ये है आर्यंस इंटरनेशनल स्कूल। तो गाइस ये थोड़ा एरिया में थोड़ी भीड़ रहती है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे लगते हैं काफ़ी सारे ठेले फलों के फास्ट फूड के, और यहाँ काफ़ी अच्छा एरिया है दुकान वाला, मतलब काफ़ी VIP कॉलोनी लगती है। और यहाँ पे आपको बैंकट भी मिल जाएंगे, जैसे ये सामने चॉइस बैंकट हॉल, काफ़ी अच्छा है, अंदर से मैं कई बार इसमें गया हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए ऊपर लिखा है शाहपुर इधर को, और काट रोड को जाना है ना शाहपुर, तो हम इधर से राइट ले लेंगे। चलो ना, तो
ये सीधे चले जाता है रास्ता गौतम बुद्ध पार्क, जो काफ़ी फेमस है। और ये हम अपने जिम वाले रास्ते पर जा रहे हैं, आगे हमारी जिम भी पड़ेगी। जिम आपने देखी होगी मेरे ब्लॉग में, पर बाहर से नहीं देखी होगी, एक बार मैं आपको बाहर से भी दिखा दूँगा। और सामने सारी है नेक्सोन, जिम रॉयल फिटनेस जिम, यहाँ करते हैं अपना जिम और शानदार वाला। तो गाइस ये सीधा रोड जा रहा है शाहपुर को, बिल्कुल सीधा जाना है आपको यहाँ से, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सीधे चलते हैं बिल्कुल शाहपुर की तरफ। तो गाइस देखिए ये आ चुका है शाहपुर, चल ये देखिए बोर्ड यहाँ का। तो ये शाहपुर है पूरा जहाँ चल रहे हैं, तो प्रॉपर्टी अन्नू की थोड़ी आगे है तो मैं दिखाऊंगा। तो ये शाहपुर थोड़ा मतलब ऐसा इलाका आ जाता है थोड़ा गांव वाला, और अपनी पसंदीदा गाड़ी जा रही है सामने रॉयल एनफील्ड की बुलेट। तो भाई सूरज आपको बहुत परेशान कर रहा होगा, मुझे पता है, मुझे कर रहा है। ये पूरा शाहपुर है, छोटी सड़कें हैं यहाँ की। तो चलिए चलते हैं प्रॉपर्टी के पास, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। चुके हैं जहाँ मैं बता रहा था आपको प्रॉपर्टी देखने, जो प्रॉपर्टी की थोड़ी लोकेशन है शाहपुर की तरफ, अंदर कोई रास्ता आ रहा है शाहपुर से अंदर को, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको प्लॉटिंग। यहाँ पे हमारे एक भैया का भी घर है जो स्टाफ में थे हमारे, राकेश भैया, उनका घर कुछ ये है, देखिए आप ये उनका घर है। तो इधर की तरफ ये प्लॉटिंग और इधर की। तो गाइस हम आ चुके हैं अभी प्रॉपर्टी वाली थोड़ी लोकेशन पर जहाँ प्रॉपर्टी खाली है, और मैं जो बता रहा था हमारे भैया का घर यहीं है, वो भी यही है। तो थोड़े इनसे रेट पूछेंगे, यहाँ क्या चल रहे हैं भैया? 12,000 रुपये गज। तो 12,000 रुपये गज मतलब यहाँ का रेट है। लोकेशन देख लीजिए कुछ इस तरीके की है, ये भैया का घर है, और इधर देखिए जैसे एक प्लॉट ये खाली पड़ा है, और सामने काफ़ी मतलब यहाँ घर बनने हैं, ये भी भैया का बनना है ना समझते हैं, तो ये घर भी इनका ही बनना है भैया का। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा लोकेशन पे। तो गाइस देखिए कितनी प्लॉटिंग है यहाँ पे खाली, जैसे नीचे आप देख सकते हैं एक वो है, एक वो है, कुछ उधर हैं, और ये सामने से देखिए भैया का घर, और जो घर या नया घर बनना है हम उसकी छत पे हैं। तो देखिए इधर का इलाका, तो ये देखिए कुछ बहुत घर बन चुके हैं इधर, जब भैया ने घर लिया था यहाँ एक भी घर नहीं था। तो गाइस कुछ इसी तरह की थी यहाँ प्लॉटिंग जो मैं दिखा रहा था, तो अब चलिए चलते हैं घर। तो गाइस यही था पूरा शाहपुर रोड, और खुशालपुर आपने पीछे देख लिया होगा, जहाँ हमारी जिम थी वो खुशालपुर था, और आर्यंस इंटरनेशनल स्कूल से हमारी जिम तक था वो खुशालपुर, और उधर को चला जाता है वो, और रास्ता वो गौतम बुद्ध पार्क की तरफ चला जाता है खुशालपुर को। और ये जो मैंने आपको थोड़ा गाँव दिखाया था वो था पूरा शाहपुर। तो गाइज आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइज।